रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के मतदान के बीच बिलासपुर क्षेत्र के मानपुर ओछा बंगाली कॉलोनी में बवाल हो गया। मतदान केंद्र पर एक दिव्यांग महिला और बुजुर्ग को गालियां देते हुए दारोगा ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। राज्य मंत्री बलदेव औलख के लाख समझाने पर भी लोग नहीं माने, जिसके चलते कई घंटे के बहिष्कार से अफसरों में खलबली मची रही। दरअसल सुबह से ही मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, वहीं 8 बजे के बाद मानपुर ओझा के मतदान केंद्र पर लाइन लगी हुई थी, जिसमें एक दिव्यांग महिला और बुजुर्ग लाइन में लगे थे। आरोप है कि एक दारोगा ने पहले किसी बात पर गालियां दी, जिसका विरोध करने पर दारोगा ने दिव्यांग महिला और बुजुर्ग पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग की पिटाई होते देख पूरा गांव जमा हो गया और मतदान का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ रोष जताने लगे। इस बीच सूचना मिलने पर राज्य मंत्री बलदेव औलख मौके पर पहुंच गए और गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे, जिस पर राज्य मंत्री ने कहा कि दारोगा रामपुर का नहीं है, कहीं बाहर से ड्यूटी पर आया है। अगर रामपुर का होता तो तत्काल एसपी से कहकर वे सस्पेंड करा देते, लेकिन दारोगा जहां से भी ड्यूटी से आया है वहां के एसपी से कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कई घंटे तक मतदान का बहिष्कार रहा। वो विकलांग लेडीज, जो विकलांग महिला है, वो क्या है, दंगा फैलाने आई हुई थी? वो भी जेंट्स पुलिस मार रहे हैं। कौन से नियम?